चलो एक कहानी सुनाती हूँ। जिसकी आज कहानी सुनाने जा रही हूँ वो और कोई नहीं, मैं ही हूँ। बचपन से मुझे कोई पसंद नहीं करता था और इस वजह से मैं भी खुद को पसंद नहीं करती थी। जाने अनजाने में ही सही, मैं भी एक भीड़ का हिस्सा बन चुकी थी। जो लोग मेरे बारे में सोचते थे वही मैं अपने बारे में सोचने लगी थी। शायद मैंने खुद से कभी प्यार करना सीखा ही नहीं। कैसे सीखती, वक्त ही नहीं मिला। वक्त मिला तो भी किसके लिए, अपने आप से ही नफरत जिताने के लिए। लेकिन उस नफरत की वजह क्या थी? रंग, वो रंग जिसने मेरा आधा सा बचपन मनो बेरंग बना दिया। लेकिन इस रंग का मतलब मैंने खुद से नहीं सीखा, इस रंग का मतलब समाज ने मुझे सिखाया। बेटा अगर रंग सांवला होगा तो तुझसे शादी कौन करेगा, अगर रंग सांवला होगा तो आगे जाके काम भी ठीक ठाक सा ही मिलेगा। अभी से ही हल्दी बेसन लगाना शुरू करो, फिर देखो रंग कैसे बदलेगा। अफसोस तो इस बात का है कि लोग मुझ पर नहीं मेरे शर्मिंदगी पर हंसते थे, क्योंकि उन्हें पता था मेरे लिए मेरा रंग ही मेरी शर्मिंदगी बन चुका था। इस समाज में भी ना क्यों रंग को ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? क्या इस रंग के सामने इंसानों की भावनाओं का कोई मोल नहीं? फिर मैंने सोचा इसमें रंग की भी क्या गलती, हर एक रंग की तो अपनी अपनी खासियत होती है ना। इस सब के बाद मैंने मेरी रंग को नहीं मेरे सोच को बदलना चाहा और मैंने वैसे किया। समाज की सोच ने मेरे लिए जैसे रंग की पूरी परिभाषा ही बदल दी। लेकिन इतने सालों बाद भी एक सवाल मेरे मन में रह गया है। काले टीके को तो शुभ माना जाता है ना, तो फिर काला रंग बुरा कैसे हो सकता है?